फ्रेंड्स, अपनी गार्डन की ग्रीन ग्रीन प्लांट देखकर बोर हो गए हो तो चलिए ऐड करते हैं कुछ कलर और ये प्लांट ऐड करके बनाते हैं आपके गार्डन को कलरफुल। हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो पहला प्लांट है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा में आपको इतनी सारी प्लांट की वेरायटी मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि पूरे ही ले लूँ। इस प्लांट के साइड से बेबी प्लांट निकलते हैं जिसे आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हो। ये प्लांट नर्सरी में 200 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है ऑक्सेलिस। ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये जब बुशी होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। समर में इसे डायरेक्ट सनलाइट बचाए। इसके लीव्स तो ब्यूटीफुल होते ही है, पर इस पे जब फूल आते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है रबर प्लांट। इस प्लांट में रेगुलर और वेरीगेटेड वेरायटी भी आती है। आपको जो प्लांट पसंद आए वो आप ऐड कर सकते हो। ये प्लांट आप कटिंग से भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है क्रिप्टैंथस। इसे अर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये देखने में आर्टिफिशियल लगता है। इसमें बहुत से कलर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पिंक सिंगोनियम। वैसे तो सिंगोनियम में बहुत सी वेरायटी है, बट ये इसके कलर की वजह से ही अट्रैक्टिव लगता है। इस प्लांट के साइड से बेबी शूट निकलते हैं, इससे आप प्रोपोगेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एरेंथमम रेड। ये इसकी वेरीगेटेड वेरायटी है। इस प्लांट में और भी वेरायटी आती है। ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। नेक्स्ट है ड्रेसिना मार्जिनाटा। ये ड्रेसिना प्लांट की वेरायटी है। इसे आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है कैलेथिया। देखने में ये प्लांट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बट थोड़ा महंगा आता है। इसके अलग अलग वेरायटी के साथ इसके लीव्स का शेप और कलर भी चेंज होता है। नेक्स्ट है क्रोटॉन। ये प्लांट फुल्ली कलरफुल प्लांट है। कैलेथिया प्लांट की तरह ही इस प्लांट की भी जितनी वेरायटी है उसके लीव्स की शेप और कलर डिफरेंट है। नेक्स्ट है रेड फ्लेम आईवी। ये एक क्रीपर प्लांट है जिसे आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। नेक्स्ट है स्वीट पर्पल वाइन। ये एक बेल है जो इजी टू ग्रो एंड इजी टू केयर वाइन है। बेल के हर एक नोट पे एरियल रूट्स होती है जिसे आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है एकलिफा। इस प्लांट को एकलिफा या कॉपर लिप के नाम से भी जानते हैं। इसे आप बहुत सी जगह देखा होगा। इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है रियो प्लांट। इस प्लांट में और एक वेरायटी आती है और दोनों भी ब्यूटीफुल है। इस प्लांट के साइड से बेबी प्लांट निकलते हैं जिससे आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है कोलियस। इस प्लांट के लीव्स फूलों जैसे होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं। इसके आपको बहुत सी वेरायटी मिल जाएगी जिसे आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है दुरांता रेड प्लांट। यूजुअली इस प्लांट को ग्रीन दुरांता प्लांट के साथ कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, पर आप इसे आपके प्लांट के साथ भी लगाइए, अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट है रेड लैटन पाम। ये प्लांट पाम की प्लांट की डिफरेंट वेरायटी है जो कलरफुल है। इसे आप 12 से 14 इंच के पॉट में भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है डेविल बैकबोन, या जिसे पेडिलैंथस के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट को नॉर्मली आप ग्रीन वाइट शेड में देखा होगा। इसकी वेरीगेटेड वेरायटी भी आती है जो ग्रीन वाइट के साथ पिंकिश भी आती है। इसकी कटिंग मैंने 8 दिन पहले ही लगाई है। नेक्स्ट है एंजल विंग बेगोनिया। ये बेगोनिया प्लांट की वेरायटी है। देखने में बहुत सुंदर और डिफरेंट लगती है। ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। नेक्स्ट है कैलेडिया। ये प्लांट इतने खूबसूरत कलर में आते हैं कि आप चूज करने में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से कलर का प्लांट लगाओ। ये प्लांट बल्ब से ग्रो होता है, इसलिए ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा रहेगा। नेक्स्ट है एलेंथ्रा का प्लांट। इसे हेज प्लांट या फिर लालसा के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट में आपको 4 कलर मिल जाएंगे। ये प्लांट आप कटिंग से लगा सकते हो। 3-4 दिन में ही इसमें रूट्स आ जाती है। नेक्स्ट है सीजियम। इसे क्रिस्टीना के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट में न्यू ग्रोथ पिंक कलर की आती है। इसमें ये प्लांट ब्यूटीफुल लगता है। इसकी खास बात है कि इसे कटिंग से चाहे वो शेप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 21 कलरफुल प्लांट्स। आपको इनमें से कौन सा प्लांट पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही ओल्ड टॉपिक बट न्यू अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर एंड लव प्लांट्स।